हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ मैथ मैजिक स्टैंडर्ड 4. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो फॉर चैप्टर 3, अ ट्रिप टू भोपाल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज फ्रॉम 17 ऑनवर्ड. नंबर 17 नंबर की एक्सरसाइज देखते हैं क्या है इसमें. देखो, ऑल ऑफ देम रीच नक्की लैक एट माउंट आबू. देखो, सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद माउंट आबू नक्की लेक पर पहुंच गए एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून. चिल्ड्रन वॉन्टेड टू डू बोटिंग देयर. सबको बोटिंग करनी थी. द प्राइज लिस्ट ऑफ बोटिंग वॉज एज बिलो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस. वहां पर बोर्ड लिखा था कि अलग अलग टाइप की बोटिंग करने का चार्ज कितना है. देखो, सबसे पहले तो बोट, नेम ऑफ बोट, टिकट पर पर्सन, ट्रिप टाइम, डबल डेकर बोट. तो हमें डबल डेकर बोट अगर चाहिए तो पर पर्सन 40 रुपीज देना पड़ेगा 40 मिनट्स के लिए. पैडल बोट, जिसमें हमें पैडल मारना होता है, तो 20 रुपीज पर पर्सन लगेगा. अगर दो स्टूडेंट्स साथ में बैठते हैं तो 40 रुपीज देने पड़ेंगे 30 मिनट्स के लिए. मोटर बोट, जिसमें मोटर लगी होती है, हमें कुछ करना नहीं, अपने आप चलेगी, तो उसके लिए 30 रुपीज देना पड़ेगा 20 मिनट्स के लिए पर पर्सन. ये है बोट विथ ओर्स. ओर्स यानी वो जो चक्कू चलाना आता है ना, बोट को हमें चक्कू से धक्का मारना होता है. सो ओर्स वाली बोट 15 रुपीज, सबसे सस्ती है ये, पर पर्सन 15 रुपीज, और सबसे ज्यादा समय भी है 45 मिनट्स, और इसमें तो थक जाएंगे हम लोग, बराबर. तो ऐसा चार्जेस है. अभी हमें क्वेश्चंस पूछे हैं तो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, बराबर. चलिए हम पेज को घुमाते हैं. सो हियर देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन ए. टू चिल्ड्रन वेंट इन द डबल डेकर बोट एंड देन वेंट इन द पैडल बोट. देन हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स. अभी देखो, टू चिल्ड्रन हैव गॉन इन द डबल डेकर बोट एंड देन वेंट टू पैडल बोट. देखो, वो तो डबल डबल बैठते हैं, तो कितना पैसा उन खर्च किया. हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ बोट्स. चलिए, पहले तो ये डबल डेकर बोट का चार्ज क्या था, 40 रुपीज पर पर्सन, बराबर. तो हम अभी काउंट करते हैं. ₹40 डबल डेकर बोट, मल्टीप्लाई बाय टू चिल्ड्रन. अरे, ये रुपीस थोड़ी लिखना है यहां पर, चिल्ड्रन है वो, तो कुछ भी नहीं लिखना है यहां. चलिए, टू चिल्ड्रन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 = 8, मींस टोटल कितना खर्चा होगा डबल डेकर बोट के लिए, 80 रुपीज. चलिए, फिर पैडल बोट. सो पैडल बोट का चार्जेस क्या है, 20 रुपीज. सो 20 रुपीज पैडल बोट मल्टीप्लाई बाय 2 चिल्ड्रन. अरे, फिर से गलत. अरे अरे अरे, क्या हो रहा है, गलती हो रही है. टू चिल्ड्रन, चलो मल्टीप्लीकेशन, 2 × 0 = 0, 2 × 2 = 4, यानी 40 रुपीज. देखो, पहले बच्चों ने 80 रुपीज दिया डबल डेकर बोट में, फिर 40 रुपीज दिया पैडल बोट में. टोटल हम कर लेते हैं. देखो, यहां पर 80 रुपीज प्लस 40 रुपीज प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0, 8 + 4 = 120 रुपीज टोटल स्पेंड, 120 रुपीज स्पेंड, बराबर. अथवा तो क्या लिखेंगे, 120 रुपीज पेड. चलिए, हो गया है. तो अब दूसरा बी.
वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट इन द मोटर बोट देयर दे पेड रुपीज 360 इन टोटल देन हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द मोटर बोट ट्रिप। देखिए टोटल मोटर बोट का कितना दिया उन लोगों ने 360 रुपीज बराबर। तो हम लिखते हैं आंसर हमें ढूंढना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द मोटर बोट। तो देखो टोटल रुपीज 360 स्पेंड बराबर, यहां से लिखते हैं चार्ज पर पर्सन, कितना चार्ज था भाई मोटर बोट का पर पर्सन, रुपीज 30 था मुझे याद है भाई बराबर। तो कितने बच्चे बैठे होंगे मोटर बोट में देखो इसके लिए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, अरे उन्होंने चिल्ड्रन लिखा है तो हम भी चिल्ड्रन लिख देते हैं उसमें क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू, हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहां, तो भैया 360 डिवाइड बाय 30 करना पड़ेगा तब जाके आंसर मिलेगा। चलिए आंसर लाते हैं हम बराबर। देखो 360 डिवाइड बाय 30, अभी तो ये थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है आसान है। देखो 360 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो पहले तो 36 टू डिजिट ही लेनी पड़ेगी, 30 का टेबल बोलेंगे 31 जा 30। देखो अभी 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 3 में से 3 ओके ब्रिंग दिस 0 डाउन 60 हो गया। अभी देखो 30 60 आने तक बोलना है तो 31 जा 30, 32 जा, 30 का डबल कितना होता है 3 का डबल 6 होता है तो 30 का डबल 60 होता है 60 0 0 हो गया आंसर 12। सो टोटल कितने चिल्ड्रन बोट ट्रिप में मोटर बोट में गए होंगे, सो हम लिखेंगे 12 चिल्ड्रन वेंट फॉर मोटर बोट। देखो आंसर आ गया हमारा मोटर बोट, ये डिवीजन का सम्स था। चलिए क्वेश्चन सी क्या लगते हैं इस क्वेश्चन सी में, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट इन द बोट विथ ओर्स, वो सबसे सस्ती वाली बोट में गए वन ग्रुप, देयर दे पेड 120 इन टोटल, देखो वहां पर उन्होंने 120 पे किया, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द ट्रिप इन बोट विथ ओर्स। देखो ये तो बिल्कुल ऊपर का ही सम्स है, ये ही वाला सम्स वापस करना है, करोगे आप खुद, मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके दे देता हूं हाँ। चलो टोटल स्पेंड कितना स्पेंड किया, टोटल रुपीज स्पेंड कितना 120 बराबर, चार्ज पर पर्सन यहां से लिखते हैं चार्ज पर पर्सन, देखो कितना चार्ज था भाई वो और वाली बोट का पर पर्सन याद है क्या, पेज घुमा के देख लो 15 रुपीज है। चलो फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ढूंढना है हमें, देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 120 को डिवाइड करना है 15 से बराबर, ये तो बिल्कुल आसान है 15 का टेबल बोलना है आपको 120 आने तक बराबर, टेबल आना चाहिए अभी तो आप फोर्थ में हो, 120 डिवाइड बाई 15 करो एक ही स्टेप में हो जाएगा, जितने हो जितना आंसर आएगा ऊपर That many children went for boat with oars, खुद लिखना है आपको खुद लिखना है। चलो फिर आगे चलते हैं, Which boat makes two trips in one hour, भाई एक घंटे में टू ट्रिप यानी कि टू राउंड कौन कौन सी बोट कंप्लीट करती है, तो उसके लिए आपको
वो पीछे का टेबल याद करना पड़ेगा। देखो ये मैंने टेबल यहाँ पर लिखा है आपके लिए, है ना। देखो ये डबल डेकर बोट 40 रुपीज में 40 मिनट चलती थी, पैडल वाली बोट 20 रुपीज में 30 मिनट चलती थी। देखो 30 मिनट्स, इसका ही मतलब तो ये हुआ कि वन आवर में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स होती है। वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 30 मिनट वाली पैडल बोट ही 1 आवर यानी कि 60 मिनट में 2 राउंड्स कंप्लीट कर सकती है 30-30 मिनट्स के। तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं उसमें, आंसर ही देना है हमें। कौन सी बोट? पैडल बोट। व्हिच बोट मेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर? सो वी से पैडल बोट। पैडल बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। चलिए फिर आगे, व्हिच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट ए ट्रिप? भाई अब कौन सी वाली बोट लेस देन हाफ आवर में एक ट्रिप कंप्लीट करती है, यानी कि किस बोट का राउंड 30 मिनट से कम है, हाफ आवर यानी 30 मिनट्स। देखिए फिर से वो चार्ट देखो, यहां पर कौन सी बोट है, ये रही मोटर बोट। देखो मोटर बोट ₹30 लेती है और 20 मिनट्स का ही उसका एक राउंड होता है, यानी कि लेस देन 30 मिनट। 30 मिनट यानी कितना आवर? 30 मिनट मतलब हाफ आवर, बराबर। चलो तो हमें क्या आंसर लिखना है, मोटर बोट। तो व्हिच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर? सो हम लिखेंगे मोटर बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। चलिए व्हिच बोट प्रोवाइड्स द मोस्ट टाइम इन द लीस्ट एक्सपेंस? एक कौन सी बोट सबसे ज्यादा प्रोवाइड मोस्ट टाइम, मैक्सिमम टाइम इन द लीस्ट एक्सपेंसेस, सबसे कम खर्च एक्सपेंसेस में सबसे ज्यादा टाइम कौन सी बोट देती है? देखो ओर्स मैंने लिखा है यहां पर, ओर्स, बोट विथ ओर्स ओनली 15 रुपीज में 45 मिनट्स का टाइम देती है हमें। चलिए तो हम लिखते हैं बोट विथ ओर्स प्रोवाइड्स द मोस्ट टाइम इन द लीस्ट एक्सपेंस। चलिए अभी क्वेश्चन जी, क्या कहते हैं क्वेश्चन जी में, वन बॉय पेड ₹40 एंड बोटेड फॉर 1 आवर। भाई एक बच्चे ने ₹40 दिया, बोटेड फॉर 1 आवर, भाई 40 रुपीज में पूरा 1 आवर बोटिंग किया। विच बोट डिड ही टेक? उसने कौन सी बोट ली होगी? चलिए 40 रुपीज दिया और 1 आवर तक वो घुमा। चलो तो अभी याद करो फिर से, ये रहा टेबल। देखो 40 रुपीज में डबल डेकर बोट तो 40 मिनट ही चलती है, यानी लेस देन 1 आवर। पैडल बोट ₹20 में 30 मिनट यानी हाफ आवर चलती है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि वन बॉय पेड 40 रुपीज एंड बोटेड फॉर 1 आवर। देखो 20 रुपीज में 30 मिनट यानी हाफ आवर। सो अगर 40 रुपीज देंगे हम तो 30 मिनट प्लस 30 मिनट बैठने देंगे कि नहीं, यानी कि 1 घंटा 1 आवर हो जाएगा। इट मीन्स दैट बॉय शुड सिलेक्ट बोट विथ पैडल, यानी कि पैडल बोट उसने ली होगी, बराबर।
चलो तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। विच बोट डिड ही टेक, तो शॉर्ट में ही लिख देते हैं, द बॉय मस्ट टूक पैडल बोट। बराबर, पैडल बोट ली होगी तभी तो उसने 40 रुपीज दिया और पूरा 1 आवर यानी कि 30 30 मिनट्स के 2 राउंड लगा दिए, पूरा 1 आवर हो गया। और 20 20 मिला के क्या हुआ, 40 रुपीज दे दिए। देखो हम कैलकुलेशन अगर चाहे तो आप कर सकते हो, देखो 20 रुपीज 30 मिनट्स, अनदर 20 रुपीज अनदर 30 मिनट्स, यानी कि 20 20 40 रुपीज, 40 रुपीज में कितना टाइम हुआ, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स यानी 1 आवर। ऐसे ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, हमारा आंसर तो यही है। चलिए अभी आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ हमारे लिए, यहाँ पर क्या कहते हैं इसमें, देखो वन बॉय टूक टू बोट्स एंड बोटेड फॉर टोटल 50 मिनट्स। देखो एक बच्चा तो ऐसा था कि बोट टू बोट उसने ली, बोटेड फॉर 50 मिनट्स, 50 मिनट तक उसने बोटिंग किया एंड पेड ए टोटल 50 रुपीज। देखो अभी 50 रुपीज में 50 मिनट हमें बैठना है, बराबर, तो कौन कौन सी बोट ली होगी, विच टू बोट डिड ही टेक। देखिए फिर से वो टेबल याद करिए, 50 रुपीज दिया, 50 मिनट्स उसने बोटिंग किया, चलो कौन सी बोट लेंगे हम, तो 50 रुपीज देंगे और 50 मिनट्स भी हमें मिलेगी। देखो आंसर तो मिल गया, ये रहा, देखो ये रहा है ना। देखो 20 रुपीज में 30 मिनट्स कौन देती है, पैडल बोट, 30 मिनट्स में 20 मिनट्स मोटर बोट, दोनों को मिलाएंगे तो 20 प्लस 30 50 रुपीज होगा, 30 मिनट प्लस 20 मिनट्स वो भी 50 होगा। इट मीन्स ये दो बोट उसने ली होगी, फटाफट लिखते हैं हम, चलो पैडल बोट ₹20 और 30 मिनट्स, फिर मोटर बोट ₹30 और ओनली 20 मिनट्स, एडिशन करो सो ₹50 और 50 मिनट्स। आंसर हमारा क्या आया, विच टू बोट डिड ही टेक, तो हम लिखेंगे ही टोक पैडल बोट एंड मोटर बोट। चलिए तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन 15 और 16 खत्म हुआ, आगे चलते। नहीं 15 और 16 का, हाँ ये तो कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारा 17 था। चलो अभी आगे चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे, हैं चले चलिए। नाउ क्वेश्चन 8, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टू रिटर्न अहमदाबाद एट 5 o'clock इन द इवनिंग। चलो ट्रिप खत्म हुई, सब आबू से रिटर्न हो गए शाम को 5 बजे, बराबर, कहाँ के लिए, फिर से अहमदाबाद के लिए। एट वॉट टाइम विल द बस रीच अहमदाबाद इफ इट डज नॉट स्टॉप एनीवेयर। अभी आबू से रिटर्न आते वक्त बस कहीं पर भी रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप चलाते हैं। एट हाउ मच टाइम दे विल रीच अहमदाबाद। अभी हमने आगे यही चैप्टर में आगे लिखा था, उन्होंने कहा था कि इफ बस बिना रुके चलेगी, इफ बस नॉन स्टॉप ट्रैवल करेगी
इट विल टेक 6 आवर्स टू रीच आबू फ्रॉम अहमदाबाद. आबू तो पहुंचने में 6 आवर्स लगेंगे. अहमदाबाद से निकलेंगी, बस कहीं पर भी रुकेगी नहीं, तो 6 आवर्स लगेंगे. तो वैसा ही माउंट आबू से अहमदाबाद नॉन स्टॉप आने में 6 आवर्स लगेंगे. 5 o'clock से हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए 5 o'clock से हमने स्टार्ट किया रिटर्न, उसमें 6 घंटे और जोड़ दो, 5 में 6 आवर्स ऐड कर लो, कितना आएगा? 5 और 6 करेंगे तो 11, यानी कि 5 o'clock से स्टार्ट करेंगे तो 6 आवर्स ज्वाइंट करेंगे तो 11 o'clock. 11 o'clock के बाद कहां पर पहुंचेंगे? अहमदाबाद. 11 तो बज ही जाएंगे. चलो तो बिफोर 11 o'clock इन द नाइट, नहीं बिफोर तो नहीं आ पाएंगे, बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock इन द नाइट, आफ्टर 12 o'clock इन द नाइट. देखो आफ्टर 12 o'clock तो 7 आवर्स हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा. बिफोर 11 o'clock सो लेस देन 6 आवर्स, वो भी नहीं होगा क्योंकि हमें तो 6 आवर्स लगते हैं. तो ये आंसर सही है, बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock इन द नाइट. बराबर आंसर क्या आएगा? ये बी ऑप्शन, आपको ये ऑप्शन यहां पर लिख देना है. बराबर चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन 19, इफ द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रिप इज ₹2500 फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वन बस एंड इफ देर आर 50 चिल्ड्रन इन द बस देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड. देखिए एक बस का चार्ज ₹2500 हो और बस के अंदर 50 चिल्ड्रन होंगे तो हर एक बच्चे को कितना रुपीज देना पड़ेगा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड. सो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए. 2500 रुपीज डिवाइड बाय 50 चिल्ड्रन. ओके तो हम लिखते हैं पहले तो कॉस्ट ऑफ ₹2000 फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वन बस. कॉस्ट ऑफ वन बस कितना है भाई? बस का चार्ज ₹2500. कितने बच्चे हैं एक बस में? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 50. Therefore, cost per child. भाई हर एक बच्चे को कितना देना पड़ेगा? Per child कितना होगा भाई? 2500 divide by 50 करना पड़ेगा. चलो तो करते हैं भाई यहाँ पर 50. बहुत difficult लग रहा है? नहीं ऐसा नहीं है. देखो 2500 divide by 50. देखो अभी आप बोलोगे सर 50 का टेबल तो हमें नहीं आता, तो देखो मैं यहां पर दिखाता हूं. 5 5 जा आता है आपको कितना? 25. तभी 50 5 जा करेंगे तो देखो क्या किया हमने, 5 की एक 5 के ऊपर 0 ऐड किया, तो आंसर में भी 0 कर दो. 50 5 जा 250, करना कुछ नहीं है, ये जीरो को हाइड कर लिया. 5 5 25 और ये जीरो जैसे यहां लगा तो आंसर में भी लगा दो, इतना आसान है. चलो सो 5 5 25, अब ये हाइड कर लिया था हमने 5 5 25, जीरो आ गया तो 50 5 250. चलिए अभी उसको डाउन करो, माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 करेंगे 0, 2 माइनस 2 करेंगे 0, यानी कि ये तो 0 0 हो गया. ब्रिंग डाउन दिस 0, इसको नीचे ले आओ. नीचे लाने के बाद भी अब डिवीजन आगे हम नहीं कर पाएंगे, टेबल नहीं बोल पा रहे हैं, तो ऊपर लिख देना है एक और 0, 50. यानी कि आंसर क्या आया? ₹50 कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड. Cost of travel for
ईच चाइल्ड इज इक्वल टू रुपीज 50। भाई 50 रुपीज में वो लोग माउंट आबू घूम के आ गए। चलिए अभी लास्ट वाली चीज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो टेस्ट योर सेल्फ, अब जो भी सीखा वो आपको यहां पर यूज करना है, बिल्कुल आसान है, अपनी अकल लगाओ। चलो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स ऑर्डर अल्फाबेट इन बॉक्स। देखिए फर्स्ट देखते हैं, विच पेयर ऑफ नंबर्स एड अप टू मेक 1000। भाई यहां पर 4 pairs दी हुई ए बी सी डी, हमें उसको ऐड करना है और कौन सी वाली पेयर 1000 हो जाती है। देखो इसमें थोड़ी अटेंसिवली देखना पड़ेगा हमें। देखो 3556 यानी कि ये 400 से लेस है बराबर, और ये 544 यानी ये 600 से लेस है। 600 से लेस, 400 से लेस, ये दोनों को ऐड करेंगे 6 और 4 तो 10 नहीं हो रहा है बराबर, क्योंकि ये 400 से लेस है 600 से लेस है। कोई बोलेगा कि सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बिल्कुल आसान सी चीज में दिखा देता हूं, ऐड करके देख लो। 356 प्लस 544 करो 6 4 0 1 कैरी ओवर, 5 and 6 6 and 4 10 0 1 कैरी ओवर, 5 6 7 8 and 9 900 ही होता है भाई यहाँ पर, ये तो नहीं चलेगा। ऐसे ही यहां पर भी ऐड करोगे तो 100 से कम आएगा बराबर, ये शायद हो सकता है देखो बराबर, यहां 364 634 करके देखो 445 554, मुझे आंसर मिल गया है देखो 901 और 99। 901 के अंदर 99 ऐड करोगे तो 100 आ जाता है, तो आंसर हम लिखेंगे सी। चलो ऐसे हमें नंबर को देख के थोड़ा काउंटिंग गेजिंग बराबर करना होगा, तो ऐसे पजल होती है ये सब, बहुत मजा आता है। ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे तब बिना कैलकुलेट करके भी एस्टिमेट अंदाज लगा सकते हो। क्वेश्चन 2, द एज ऑफ 4 paintings आर गिवन, ओल्ड पेंटिंग्स विच इज द ओल्डेस्ट। 4 painting की एज कही है, देखो 1 painting इज 1500 ईयर्स, बी पेंटिंग 5100 ईयर्स, सी पेंटिंग 1050 ईयर्स एंड अनदर डी पेंटिंग इज 5010 ईयर। देखो अभी यहां पर ये बी एंड डी 5000 वाली है और ये 1500 1050 है, देखो तो 5000 के सामने ये तो गई, ये नहीं चाहिए, ओल्डेस्ट नहीं है ये। अभी ये बी और डी में से डिसाइड करो, 5100 ज्यादा होगा या 5010 ज्यादा होगा। देखो 5100 ही ज्यादा होगा, यानी कि ये बी पेंटिंग 5001 ईयर ओल्ड है, सो दैट इज द ओल्डेस्ट वन, बी ऑप्शन। चलो ए मिनी बस नीड्स 50 liters ऑफ डीजल, फॉर रिफिलिंग 4 minibuses वी नीड ब्लैंक ऑफ डीजल। देखो वी हैव 4 buses, 1 bus need 50, सो 50 multiply by 4 करेंगे तो 5 4 जा कितना होगा 20, और ये 0 ऐड कर लो 200 liter, तो देखो ये ऑप्शन सी 200 लीटर चाहिए हमें। चलो अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, इफ ए कार टेक 8 minutes एंड बाइक टेक 4 minutes टू रिफिल द टैंक, हाउ मच टोटल टाइम इज नीडेड फॉर रिफिलिंग 2 cars and 3 bikes। देखिए अभी इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें बराबर, ये मैंने रफ पेज ले लिया। 8 minutes कार, तो ये रहा 8 minutes कार के लिए, 4 minutes बाइक, तो ये रहा कार, ये रही बाइक।
चलो, टू कार्स एंड थ्री बाइक्स, सो टू कार्स एंड थ्री बाइक, एट टू जा 16, 16 मिनट्स टू कार की रिफिलिंग में लगेगी, बराबर 4 मिनट्स एक बाइक के लिए लगती है, वन बाइक के लिए, तो थ्री के लिए कितनी लगेगी मिनट्स, 4 थ्री जा 12, ऐड कर लो 6 टू 8, 1 एंड 1 2, 28, टोटल 28 मिनट चाहिए तब टू कार्स एंड थ्री बाइक्स को रिफिल कर पाएंगे। देखो 28 कहां पर है, ये रहा डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए अभी लास्ट वाला फाइव, क्या कहता है फाइव क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ वन बस इज 5 मीटर एंड दिस बस क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ 600 मीटर, हाउ मेनी नंबर ऑफ बसेस वन बिहाइंड द अदर कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन दिस ब्रिज। देखो एक लंबा सा ब्रिज, ऐसा क्वेश्चन हमने आगे एक बार कर लिया है, 600 मीटर लंबा ब्रिज है। देखो ये रहा 600 मीटर का ब्रिज, बराबर इसके ऊपर एक बस खड़ी रहती है, 600 मीटर की, मीटर का ब्रिज, 5 मीटर की बस, ये रही बस 5 मीटर की, तो एक के पीछे ऐसी कितनी बस खड़ी रह पाएगी, हमें ऐसे फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 600 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर चाहिए तो हम यहीं पर कर लेते हैं 600 डिवाइड बाई 5। चलो आंसर लाओ, 5 वन जा 5, 6 माइनस 5 करेंगे 1, ये 10 रहा, 5 टू जा 10 गया, 0 डाउन करो, डिवीजन नहीं हो पाएगा, 0 रख दो, 120 बस खड़ी रह सकती है। देखो तो 120 आंसर कौन सा है, ये बी, तो ये लिख दिया हमने बी। चलो एक्सरसाइज हो गई बराबर, तो ये टेस्ट योरसेल्फ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमने कर लिए। अभी देखिए आगे क्या है, आगे ये रहा पेज नंबर 44, उसमें लेट्स डू होमवर्क ऐसा कहा गया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये होमवर्क का है, तो आपको होमवर्क खुद ही करना है, नहीं अगर कोई क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन नहीं आता है तो हमने ये जो पीछे सब किया ना कैलकुलेशन, उसमें आपको देखना है, वैसा ही क्वेश्चन होगा यहाँ पर होमवर्क में भी। अगर फिर भी नहीं आता है तो मम्मी को पापा को पूछना है, फिर भी नहीं आता है तो उसको रहने देना है, जब आप स्कूल में आओगे तब हम करेंगे, बराबर। चलिए तो अब हम ये वीडियो को एंड करते हैं, अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।